धम्मपद के सूत्र 8 में भगवान बुद्ध कहते हैं कि वह व्यक्ति जो भौतिक आनंद की खोज में नहीं रहता, जिसकी इंद्रियां संयत हो, जो भोजन में संतुलित हो, जो श्रद्धावान हो, मार उसे उसी प्रकार नहीं गिरा सकता जिस प्रकार वायु पर्वत को नहीं गिरा सकती। बुद्ध श्रावस्ती के जेतुन में चुल्ल काल और महाकाल को उपदेश करते हुए कहते हैं, भौतिक आनंद क्या है? भौतिक आनंद का अर्थ होता है कि बाहर आंखों से जो भी भौतिक रूप से जो भी वस्तु दिखाई दे रही है, उस वस्तु से आनंद की खोज करना, उस वस्तु से आनंद ढूंढना और बाहरी आंख से जो भी हम बाहर की तरफ देखते हैं वह वस्तु अनात्म है। क्यों? क्योंकि यह समस्त संसार बदल रहा है। बुद्ध एक जगह कहते हैं कि पहाड़ से नदी लगातार बहती चली जाती है, अविरल चलती जाती है। उसी तरह यह संसार अविरल चलता रहता है, अनात्म है, इसकी कोई असलियत नहीं। यहां जो अभी जो भी वस्तु दिखाई दे रही है, धीरे धीरे उसमें तीन प्रकार की अवस्थाओं से वह गुजरती है। यह तीन प्रकार की अवस्था को बुद्ध ने जवानी, बीमारी और बुढ़ापा, मौत कहकर बयान किया कि मनुष्य पैदा होता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर उसकी मौत होती है। और यह सभी पर लागू होता है क्योंकि अनात्मता का सिद्धांत यही है कि यहां कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकती। वह पैदा होती है, लुभावनी दिखाती है, उसमें एक आकर्षण होता है एक वक्त में, और फिर उसका एक वक्त आता है जब वह क्षीण होने लगती है, बहुत ही कुरूप दिखाई देती है, उसमें दुख, उसमें पीड़ा, उसमें रोग दिखाई देता है। कोई भी वस्तु हो वह फिर उतनी आकर्षित नहीं दिखाई देती, और फिर एक वक्त आता है जब वह गिर जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है, उसका कोई नामो निशान भी नहीं रहता। इस अनात्मता वाले संसार में भौतिक आनंद की खोज करना मनुष्य की मूर्खता है, मनुष्य का अज्ञान है, मनुष्य की अविद्या है। इसीलिए वह संसार में फंसता है, और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इससे ऊपर भी उठ सकता है क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की ताकत रखी हुई है और किसी प्राणी में नहीं है। इसलिए बुद्ध धम्मपद के 8वें सूत्र में कहते हैं कि वह व्यक्ति जो भौतिक आनंद की खोज में नहीं रहता, कौन नहीं रहता? वह व्यक्ति जिसको किसी बुद्ध पुरुष के धर्मोपदेश उसके कानों में पड़ गए हैं, उसके मन में कोई जागृति का दिया टिमटिमाया है, उसके मन में एक प्रश्न उठा है, उसके मन में एक खोज उठी है कि कुछ और है, इस भौतिक आनंद के पीछे कुछ और बड़ा छिपा है, वही तो फिर बुद्ध की राह पर चलता है, भौतिक आनंद की खोज में नहीं रहता। फिर वह इन बाहरी आंखों से किसी भी लुभावनी वस्तु के पीछे भागता नहीं है, उसकी तृष्णा
की पकड़, उसकी तृष्णा का वेग, उसकी कामनाओं और इच्छाओं का वेग धीमा होने लगता है, ठिटक जाता है। एक बार को देखता तो है बाहरी आंखों से, लेकिन ठिटक जाता है। तुरंत एक प्रश्न उठता है अंदर कि इसके पार क्या है, क्या वाकई में यह आनंद देने वाली है? यह कैसे पता चलता है? एक बच्चे को पता नहीं चलता, वह तो खिलौना देखता है और गिड़गिड़ाता है मां से, जब मां नहीं दिलाती तो रोड में ही गिर जाता है, रोड में ही झूठे बहाने बनाता है, रोना शुरू कर देता है और फिर रोड में ही बैठ जाएगा। फिर मां को मजबूरी बस दिलाना पड़ता है। मां जानती है कि इस खिलौने की कोई असलियत नहीं है, वह यह भी जानती है कि इसका स्वभाव क्या है। यह अभी घर जाकर तोड़ देगा इसको, यह इससे बहुत देर तक नहीं खेलने वाला, इसको फिर दूसरा चाहिए। देख रहे हैं यह मां कौन है? यह मां बुद्ध है, यह मां गुरु है, यह मां सतगुरु है, यह मां ज्ञानी है। यह जानती है कि बच्चा कितनी देर तक इससे आकर्षित रहेगा। यह हम सबकी कहानी है, इसीलिए तो बुद्ध हमें चेताते हैं, बार बार हमें खबरदार करते हैं कि भौतिक आनंद की खोज से कुछ मिलने वाला नहीं है। और जिसके अंदर यह समझ पैदा हुई, बच्चे के अंदर समझ नहीं है, और हम अपना पूरा जीवन न जाने कितने जन्मों से ऐसे ही व्यर्थ में गंवाते चले आ रहे हैं, और हमें कभी भी यह एहसास नहीं हो पाया कि यह व्यर्थ है। हम अभी भी भौतिक साधनों की खोज में बाहर दौड़ते हैं, उस बच्चे की तरह। हर चीज लुभावनी लगती है, हर खिलौना पसंद है, लेकिन हर खिलौना कितनी देर तक पसंद है? थोड़ी देर बाद फिर नया चाहिए। और अनात्मता हमें क्या कहती है? अनात्मता कहती है कि चीजें बदल रही हैं, रोज नई वस्तु आती है। कितनी वस्तुओं को इकट्ठा करेंगे? और जिस वस्तु को इकट्ठा कर लिया, उसका स्वभाव क्या है? कि वो धीरे धीरे शीर्ण हो रही है। एक घर अच्छा लगता है, एक गाड़ी अच्छी लगती है, एक स्त्री अच्छी लगती है, लेकिन कुछ दिनों में उस स्त्री को, उस गाड़ी को, उस घर को हम अपना बना लेते हैं। फिर कुछ दिनों में कोई और नया अच्छा लगने लगता है। मन कभी भरता नहीं, अंधा कुआ है। अंधे कुएं में जितना डालोगे उसकी मांग और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अंधा है, वहां कुछ पैंदी है नहीं, पता नहीं कहां चला जाता है। फिर एक नया विचार आता है, फिर एक नई चीज दिखाई देने लगती है, वह भी अच्छी लगती है। लगता है कि दूसरे के पास है, पता नहीं कितना मजा लूट रहा है वो। जिस व्यक्ति के अंदर भी बुद्ध के विचार कानों में पड़े, बुद्ध के उपदेश कानों में पड़े, किसी गुरु की संगति हुई, किसी सत्संग से उसका जुड़ाव हुआ, वह व्यक्ति के अंदर पहली बार एक विचार उठता है कि भौतिक आनंद की खोज में नहीं मिलता। उसे पहली बार दिखाई देता है, पहली बार वह अपनी जिंदगी की तरफ देखता है कि उसने अभी तक यह चीजें पा ली हैं। वह अपनी जिंदगी की तरफ देखता है। सबसे बड़ा जिंदगी में कायाकल्प शुरू ही तभी होता है, इस पूरी जिंदगी की कायापलट होती ही तब है जब वो व्यक्ति बाहरी आंखों से बाहर की तरफ नहीं देखता। अब वो अपनी मन से विचार करने लगता है। अब उसको एक अंदर की जागृति, एक अंदर की आंख से कुछ महसूस हो रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ विचार उठ रहा है। यह जो अंदर विचार उठता है, यहीं से जीवन में क्रांति घटती है।
बच्चे के अंदर विचार नहीं उठ सकता। क्यों? क्योंकि अभी बुद्धि का विकास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी मन का विकास नहीं हुआ, मन का दायरा बढ़ा नहीं हुआ। अभी मन 5 रुपए की चॉकलेट, 1 रुपए की टॉफी में अटका हुआ है। उसे पूरे संसार में आप घुमा दो, लेकिन घर आके कहेगा कि 1 टॉफी मिल जाती तो अच्छा था। उतना ही दायरा है। और हम भी इस बच्चे की तरह हैं, हमारा भी दायरा कुछ ऐसा ही है। और इस बच्चे का तो दायरा अभी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे है स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, कुछ समझ बढ़ेगी, देखेगा बाहरी वातावरण को, देखेगा बाहरी लोगों को, देखेगा बाहर के और दृश्यों को देखेगा, फिर कुछ बड़ा चाहिए, इसका दायरा खुलेगा। लेकिन हम बच्चे ही रह गए आध्यात्म की दृष्टि से, हमारा दायरा ही नहीं खुला। और आज से नहीं, अनंत जन्मों से हम बच्चे ही रह गए। और इस बच्चे के स्वभाव से ऐसा भी नहीं है कि हम भूल गए, हमने अपनी दुर्गति कर ली, हमने उन चीजों को इकट्ठा किया, उन चीजों को पाया जिससे हमारी दुर्गति हो गई, हम बहुत नीचे गिर गए। और आज हमारे अंदर इतना मैल जम गया हमारे मन के अंदर कि हमें अब कोई विचार उठता ही नहीं। तब पहली बार बुद्ध के उपदेशों से, गुरु के सत्संग से पहली बार विचार उठता है कि भौतिक आनंद की खोज में कुछ मिलता नहीं, क्षण भर का सुख है। और उसके बाद जो दुख पैदा होता है, आपने देखा ना, किसी गृहस्थी की कहानी जरा देखो, हम सभी गृहस्थी हैं। जरा अपने ऊपर तो विचार नहीं होता, लेकिन कभी दूसरे को, ये बाहरी आंख दूसरे को तो देखती है ना, कभी ध्यान से देखो उस व्यक्ति की क्या गति हो रही है, कितना कुछ पा लिया उसने, कितनी दौड़ भाग कर ली उसने पूरी जिंदगी, बच्चों के लिए, अपने लिए, मेरे लिए, यह कर लूँगा, वह कर लूँगा, यह भी जोड़ लूँ, वह भी जोड़ लूँ, तब सुख मिलेगा, तब सुरक्षा हो जाएगी, तब लोगों में मान सम्मान होगा। और व्यक्ति की दुर्गति, उसकी मृत्यु भी हमें दिखाई देती है। क्या हम कभी किसी मौत में नहीं गए? क्या हमारे अपने करीबी लोगों को हमने ध्यान से नहीं देखा? कितनी हाय हाय थी। और क्या मिला? हम विचार नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि अभी हमारा मन बच्चे की तरह, उसमें कभी कोई उपदेश अभी पड़ा नहीं, उसमें अभी कोई विचार उठा नहीं, कोई सद्भावना उठी नहीं, कभी किसी बुद्ध का सत्संग नहीं हुआ, कभी किसी बुद्ध के उपदेश कानों में नहीं पड़े। यह बहुत बड़ी कृपा, दया और बुद्ध पुरुषों की, गुरुओं की करुणा से होता है, वैसे नहीं होता। आपने देखा ना, एक व्यक्ति पूरी जिंदगी पूरी मेहनत करता है, पूरे संसार को एक कर देता है, इतनी धन संपदा, इतनी उसके पास अपार दौलत है, और उस व्यक्ति की कहानी सुनते हैं आप, उसने जैसे वो इकट्ठा किया है उसकी कहानी सुनते हैं ना हम, हमें क्या पता चलता है कि 7 पीढ़ियों के लिए वो आदमी इकट्ठा कर रहा है, और उसका अपना पता नहीं, वो कहां से आया है और कहां चला जाएगा उसे पता नहीं, वो 7 पीढ़ियों की कल्पना करता है। किसने देखी 7 पीढ़ियां? मृत्यु के बाद का उसे कोई एहसास नहीं, मृत्यु उसकी पहले भी घटी है, यह जन्म उसे फिर मिला है, लेकिन उसे कोई पता नहीं पहले क्या हुआ, लेकिन वो फिर अपनी 7 पीढ़ियों के बारे में सोचता है। और जो वह कर्म इकट्ठा करके चला गया, किन कर्मों को करके उसने वो धन संपदा इकट्ठा की है, वो सब उसके साथ चली गई, उन 7 पीढ़ियों से कोई लेना देना नहीं, वह तो उसका भोग करेंगे अगर पीढ़ियां हुई और पीढ़ियां रही, लेकिन वह उस 7 पीढ़ी के धन को इकट्ठा करने के लिए कितने कर्म कर गया और अपनी गठरी को बांध कर ले गया है। यह आदमी मूर्ख नहीं है तो इसको हम समझदार कहेंगे, लेकिन हमारी बाहरी आंख से भी हमें जो दिखाई देता है उसमें भी हमें भरोसा नहीं, हम सोचते हैं कि यह तो इसके साथ हुआ है, हमारे साथ थोड़ी होगा, हम तो समझदार हैं, हमने तो PhD की हुई है, हम तो इतने लोगों को ट्रीट करते हैं, हम तो इतने लोगों को चलाते हैं,
इतने लोगों से काम लेते हैं, इतने लोगों इतने लोग हमारे नीचे काम करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है हमारी जिंदगी की? हम भी यही सोच रहे हैं कि कहीं सुरक्षा मिल जाए, और क्या सुरक्षा मिलेगी मौत से? क्या सुरक्षा मिली मौत से उनको जिन्होंने यहां बड़े बड़े किले बनाए? कभी दिल्ली का दौरा करें, भ्रमण करें, या पूरे भारत का भ्रमण करें, तो पूरा इतिहास दिखाई देगा। हूण से लेकर यूनानियों से लेकर तुर्कों से लेकर मुगलों से लेकर अंग्रेजों से लेकर आज तक का कितने किले बने हैं, कितना खून खराबा हुआ उन किलों के लिए, कितना खून खराबा हुआ उन राज्यों के लिए, उस जमीन के लिए, कितनी औरतें विधवाएं हुई, कितनी जमीन में वह खून के निशान पड़े हैं, कितने बच्चे यतीम होकर उस जमीन में दब गए, और क्या मिला? आज वह खंडहर पड़े हुए हैं, और हम ऐतिहासिक दृष्टि से उनको देखने जाते हैं, लेकिन हमने क्या सीखा? क्या सीख रहे हैं अब हम? आज हमने क्या सीख लिया? अफगानिस्तान से क्या सीख लिया? वहां भी आज बारूद की वह महक आज भी उस धरती से उठ रही है। इराक से हमने क्या सीख लिया? और यूक्रेन से हम अब हम क्या सीख रहे हैं, या गाजा से अब हम क्या सीख रहे हैं? यह धरती कराह रही है हम पर, हमारे गुस्से पर, हमारी सुरक्षा पर, लेकिन हम नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता, और कभी सुनेगा भी नहीं मनुष्य, क्योंकि मनुष्य ऐसा ही है। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा कि यह मत समझना कि यह बहुत आसान मार्ग है और यहां से बहुत आसानी से मुक्त होया जा सकता है और पार होया जा सकता है। अंतिम सांस तक प्रयास करना होगा। और हमारा जीवन क्या कहता है? अब तक का जो हमने बिताया है उसमें कहीं कोई खुशबू नहीं बुद्धत्व की, बुद्ध के सत्संग की, बुद्ध के उपदेशों की कहीं कोई उसमें खुशबू नहीं आती। जीवन देखते हैं हमारा क्या होगा, और यह जीवन कितनी तेजी से बीत रहा है, इसमें अगले पल का हमें पता नहीं, और हम सुरक्षा कर रहे हैं, हम इंश्योरेंस खरीद रहे हैं कि 60 साल के बाद 70 साल के बाद यह हो जाएगा, बच्चों के लिए, अपना हमें पता नहीं। जब हमें अपना ही पता नहीं, जब हमने इन धम्मोपदेशों से कुछ शिक्षा ही नहीं ली, जब हमने अपना भला नहीं किया, तो हम बच्चों का भला क्या करेंगे? फिर वही बात होगी कि हम तो अपनी पीढ़ी के लिए छोड़कर जा रहे हैं, उनका भला होगा और वो क्या करेंगे? वो भी खून खराबा करेंगे, वो भी क्रोध से किसी के ऊपर मार करेंगे, वो भी भोग करेंगे, विलास करेंगे, वह भी तृष्णाओं के पीछे दौड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें सिखाया नहीं, क्योंकि हमारे ही कानों में बुद्ध के उपदेश नहीं पढ़ पाए, तो उनके कानों में क्या पढ़ेंगे? जब हम ही नहीं सीख पाए पूरा जीवन, तो हम उनको क्या सिखा पाएंगे? जब हम अपना जीवन नहीं बदल पाए, हम इतने भोग विलास में उलझे हुए हैं, तो हम उसको क्या समझाएंगे? इसलिए बुद्ध इस धम्मोपदेश के इस धम्म पद के 8वें सूत्र में कहते हैं कि जो व्यक्ति आनंद भौतिक आनंद की खोज नहीं करता, और जिसकी इंद्रियां संयत हों, जिसने अपनी इंद्रियों का असली रूप देख लिया, जिसने जिसको यह समझ में आ गई कि यह इंद्रियां किस तरह से लुभाती हैं, और यह मन किस तरह से इन इंद्रियों का सहारा लेकर किस तरह से हमें मार के हवाले कर देता है, कितनी दुर्गति होती है उस व्यक्ति की जिसकी इंद्रियां संयत नहीं, जिसको अभी तक एहसास ही नहीं हुआ, जिसको अभी तक यही पता नहीं चला कि भोजन कितना करना है। रात में भोजन करते हैं, फिर रात में जो है एसिड बन रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कितना खाना है, और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कोई पता नहीं। और उसके बाद जो दुर्गति हो रही है, खाकर शरीर खराब हो रहा है। आज एक नई फिलोसॉफी आ गई, आज एक नई बीमारी पकड़ ली कि भोजन करने से मनुष्य की दुर्गति हो गई, भोजन करने से मनुष्य बीमार हो गया।
एक वक्त था भोजन नहीं मिलने से मनुष्य बीमार हो रहा था। आज हमने इतना कुछ पा लिया कि भोजन करने से बीमार हो रहे हैं, और जो भोजन कर रहे हैं उसकी कोई शुद्धता नहीं, न हमें कोई उससे लेना देना, लेकिन हमें जो मिल रहा है हम तो डाले चले जा रहे हैं, और उसके परिणाम उतने ही रोग, नए नए प्रकार के रोग पकड़ रहे हैं, और फिर इलाज में उतना ही पैसा, और अंत में क्या बचता है हाथ में? एक बड़ा शून्य, एक बड़ी राख। और पूरे जिंदगी हमने दौड़ लगाई कि हम सुरक्षा पा लेंगे, धन से सुरक्षा करेंगे, पद से सुरक्षा करेंगे, प्रतिष्ठा से सुरक्षा करेंगे, लेकिन होती नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो श्रद्धावान है मार उसे उसी प्रकार नहीं गिरा सकती, गिराता जिस प्रकार वायु पर्वत को नहीं गिरा सकती। श्रद्धावान किसके प्रति श्रद्धा? और श्रद्धा आएगी हमें, हम तो रोज मंदिर जाते हैं, और बुद्ध के उपदेश हमने कितनी बार सुन लिए, कितनी बार पढ़ लिए, कितनी बार गुरुओं का हमने सत्संग सुन लिया, कितनी बार हमने अच्छी बातें सुन ली, हमारे अंदर श्रद्धा पैदा नहीं हुई। क्योंकि कोरी श्रद्धा तो थोड़ी देर में हिल जाएगी, हम अभी मंदिर गए, घर आकर वह श्रद्धा सब खत्म हो जाती है। क्योंकि श्रद्धा को पनपने के लिए, श्रद्धा को विकसित करने के लिए तो आध्यात्म का अभ्यास करना होता है, श्रद्धा को पल्लवित पुष्पित करने के लिए, विश्वास जगाने के लिए तो मेहनत करनी होती है। ऐसी थोड़ी श्रद्धा मिलती है, ऐसी श्रद्धा तो ऐसी ही होती है, फिर मुंह से कुछ बोल दिया, मुंह से बुद्ध के धम्मोपद के वचन सुन लिए, पढ़ लिए, और थोड़ी देर में भूल गए, और फिर वही किया। क्यों? क्योंकि मन इतना हावी है और मन छोड़ता नहीं। मन को अभी तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे जैसे जवान है, जैसे जैसे अभी थोड़ा सा विल पावर है, लेकिन जैसे जैसे शरीर खराब होता है, क्षीण होने लगता है, फिर मन और हावी हो जाता है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखो। तो हमें जीवन से समझना होगा, हमें इस जीवन को, हमें इस श्रद्धा को विकसित करना होगा, और श्रद्धा विकसित होती है जब हम मेहनत करते हैं, आध्यात्म का अभ्यास करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि मार उसे उसी प्रकार नहीं गिरा सकता जिस प्रकार वायु पर्वत को नहीं गिरा सकती। एक पर्वत जो अटल है, उस पर वायु का असर नहीं होता, कितनी ही बड़ी आंधी आ जाए वह पर्वत को डिगा नहीं सकती, पर्वत वैसे ही खड़ा है। क्यों? क्योंकि मजबूती है, जड़ें जमी हुई हैं, और हमारी जड़ें कैसे जमेंगी? बुद्ध यही बता रहे हैं कि जो श्रद्धावान हो, जिसकी इंद्रियां संयत हो, जो भोजन में संतुलित हो, और जो भौतिक आनंद की खोज में नहीं रहता। यह चार स्टेटमेंट बुद्ध ने दी हैं, जो भौतिक आनंद की खोज में नहीं रहता, और जिसकी इंद्रियां संयत हो चुकी हैं, जो भोजन में संतुलित है, और जो श्रद्धावान है। यह चारों स्टेटमेंट, यह चारों वाक्य उसी व्यक्ति पर लागू होते हैं जो व्यक्ति आध्यात्म का अभ्यास करता है, ध्यान साधना करता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग को पूरी तरह से अपनी जीवन में लागू करता है, उस पर चलता है, अमल करता है, उस व्यक्ति की जड़ें मजबूत होने लगती हैं, फिर वह डिगता नहीं, फिर वह पर्वत की तरह धीर हो जाता है, पर्वत की तरह शांत हो जाता है। उस पर फिर किसी आंधी का, किसी वायु का, किसी हवा का असर नहीं होता, इतनी मजबूती। और हमारा क्या हाल है? बाहर आंखों से कोई वस्तु दिखती है, वस्तु दिखी नहीं कि हम लपक पड़ते हैं। अब तृष्णा, अब वो बार बार मन में घूम रही है, अब उसको पाने के इंतजाम किए जा रहे हैं, मन दुनिया भर के
तरीकों को अपना रहा है कैसे यह चीज मिले, और इंद्रियों का सहारा लेता है। इंद्रियां असंयत हो रही है, अब इंद्रियों में बार बार इंद्रियां दौड़ना चाहती हैं, मन बार बार इंद्रियों से उस वस्तु को पा लेना चाहता है। स्वाद का कोई पता नहीं, भोजन का कोई पता नहीं, मन अनियंत्रित हो गया, और श्रद्धा कुछ है ही नहीं, किसी पर कोई श्रद्धा नहीं। बुद्ध जो कह रहे हैं कोई श्रद्धा नहीं, कह रहे होंगे कभी 2800 साल पुरानी बात होगी, अब तो वक्त बदल गया है। मनुष्य वही है, मनुष्य का मन वही है, 2800 साल हो या 28 लाख साल कुछ फर्क नहीं पड़ता, मन आज भी वही है। मैंने कहा ना अभी 1918 में पहला विश्व युद्ध हुआ, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और उसके बाद क्या अफगानिस्तान में हुआ, क्या इराक में हुआ, क्या गाजा में हो रहा है, क्या यूक्रेन में हो रहा है, क्या मनुष्य समझ गया, क्या मनुष्य का क्रोध शांत हो गया? एक मनुष्य का क्रोध इस पूरी सृष्टि को तहस नहस कर सकता है, एक मनुष्य का क्रोध। बहुत मनुष्य नहीं चाहिए, एक ही मनुष्य काफी है। अब जो उसने वैज्ञानिक आविष्कार किए हैं उसमें एक मनुष्य का क्रोध काफी है कि वह इस पूरी सृष्टि को बर्बाद कर सकता है, और एक मनुष्य को अगर बुद्धत्व उपलब्ध हो गया तो एक ही बुद्धत्व को फलित हुआ मनुष्य काफी है कि वह इस सृष्टि को पार कर सकता है, लगा सकता है। लेकिन होता नहीं है, क्योंकि एक बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ व्यक्ति नाकाफी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मार इतना हावी है मनुष्य के अंदर, मन इतना हावी है, और भौतिक साधनों की खोज बाहरी आंख इतनी हावी है, इंद्रियां इतनी हावी हैं कि असर ही नहीं होता, कानों में घुसता ही नहीं, बुद्ध दिखाई ही नहीं देते इन आंखों से। जिसकी आंख में भौतिक आनंद के सुख की खोज चल रही हो, उस भौतिक आनंद के सुख की खोज वाली आंख को बुद्ध सामने खड़े हुए दिखाई नहीं देते, वह उनको गाली देता है, वह उनसे ऐसे ही निकल जाता है, अरे सब ढोंग चल रहा है, कमाने के धंधे चल रहे हैं। इस जीवन को देखते हैं, यह हमारे सामने रोज घट रहा है, और हम नहीं सीखते। क्यों? क्योंकि हमारा मन इतना बड़ा हो गया, और हमारी चेतना इतनी दब गई, उसके ऊपर इतने पहाड़, इतनी कूड़े के पहाड़ उसके अंदर इतने भर गए हैं, इतना ढेर हो गया है कि हमें अपनी रोशनी दिखाई नहीं देती। हमें वो रोशनी दिखाई कैसे देगी? हमें उस रोशनी को देखने के लिए तो किसी बुद्धत्व फलित व्यक्ति के, किसी तथागत के वचन हमारे कान में पड़े, हम थोड़ा रुकें, थोड़ा बैठें, तभी तो होगा। रुकना हम चाहते नहीं, बैठना हम चाहते नहीं, थोड़ी देर एकांत में तो बैठे हैं, 2 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे, तो उससे एक विचार उठेगा कि मैं इस जीवन को कहाँ को चला रहा हूँ, मैं कहाँ को दौड़ लगा रहा हूँ, मैं किन चीज़ों के लिए भाग रहा हूँ, और मुझे क्या मिलने वाला है, और मुझे अब तक क्या मिला। अपने पीछे की जिंदगी पर, अपने इतिहास पर जरा नज़र तो डालें, क्या वह इतिहास हमारा ऐसा ही नहीं है जैसे हम खंडहर बाहर देख रहे हैं, जिसके लिए हमने पूरी कुर्बानी दी, जिसके लिए हमने खून खराबा किया, जिस जमीन के लिए हमने कितनी औरतों को विधवा कर दिया, कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं, और आज भी यही हो रहा है, क्या हम देख नहीं रहे हैं अपनी आंखों से टेलीविजन में, और क्या मिलने वाला है? और यही हमने अपनी जिंदगी के साथ किया है, इस मन के साथ लगकर हमने अपने इतिहास को देखें जरा, अपने 20 साल 30 साल 50 साल हमने कैसे बिता दिए, जरा इस इतिहास को देखें और इसके उन खंडहरों को देखें, क्या मिला? अहंकार के अलावा कुछ मिला? हमने पढ़ाई भी कर ली, लेकिन क्या अहंकार हमारा कम हुआ? हमने धम्म के पद पढ़े, हमने गुरु का सत्संग सुना, लेकिन क्या हमारा अहंकार कम हुआ? हमें गहरे में विचार करना होगा। और बुद्ध ने यह जो 4 बातें बताई, भौतिक आनंद की खोज में जो नहीं रहता,
इंद्रियां जिसकी संयत हो गई हैं, भोजन में जो संतुलित हो गया और जो श्रद्धावान हो गया, यह चारों चीजें, यह चारों बातें, यह चारों स्टेटमेंट मनुष्य की जिंदगी में लागू होते हैं जब वह विचार उसके अंदर उठता है, जब वह धम्मोपदेश का पालन करता है। और धम्मोपदेश का पालन क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग या ध्यान का अभ्यास, आंतरिक अभ्यास, बाहर का नहीं, आंतरिक अभ्यास, मन को साधने की विधि। तब एक दिन ऐसा होगा जिस समय हमारी अवस्था ऐसे ही होगी, एक पर्वत की तरह अडोल, धीर, और इतना अडोल कि फिर कोई भी मार का प्रभाव, कोई भी मार की हवा, कोई भी मार की आंधी, कोई भी इंद्रियों की आंधी, कोई भी मार का जाल हमारे ऊपर असर नहीं करेगा। हमें इसके लिए प्रयास करना होगा, हमें अच्छे से विचार करना होगा, हमें ध्यान करना होगा और गहरे ध्यान में अपने अंदर डुबकी लगानी होगी। बाहर से नहीं मिलेगा, अंदर से मिलेगा।